हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ भिंडी गप कुकिंग। आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं मसाला भिंडी की रेसिपी लेके आई हूं, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही इजी तरीका से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूं। मसाला भिंडी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम भिंडी लिया है। भिंडी को मैंने दो टुकड़ों में कट कर लिया है, देख सकते हैं, दो टुकड़ों मैंने किया है। उसके बाद मैंने फोर कट किया है बीच से, देखिए। इसी तरीका से मैंने सारा भिंडी को कट कर लिया है, देखिए। दो बड़ी साइज के मैंने प्याज लिया है, 10-15 मैंने कली लहसुन का ली है, 5 मैंने हरी मिर्च ली है, 1 बड़ी साइज की टमाटर है, 1 इंच मैंने अदरक लिया है। अब मैं लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट तैयार करूंगी, तो चलिए पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर लिया है, उसमें मैं अदरक, मिर्ची, लहसुन, प्याज, प्याज चाहे तो आप रख भी सकते हैं, पर मैं नहीं रख रही हूँ, तो मैं सबका पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है, तो मैं इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। देखिए, थोड़ा दरदरा टाइप में ही मैं पेस्ट तैयार किया है। इससे क्या होगा, आपकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही अच्छी बनेगी। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई गर्म करके रखी हुई है, 2 चम्मच ऑयल ऐड कर, तो मैं उसमें भिंडी फ्राई करूँगी। तो भिंडी को मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, करीबन 2 मिनट मैं इसको फ्राई करूँगी, ताकि थोड़ा सा हल्का ब्राउन हो जाए। तो इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। 1/2 चम्मच मैंने नमक ऐड किया है, ताकि नमक अच्छे से मिक्स हो जाए भिंडी में। तो इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। तब आप लोग भिंडी को फ्राई कर लीजिए मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए। तो आप जब भी भिंडी फ्राई करते हैं, मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें ब्राउन होने तक, हल्का ब्राउन। तो देखिए, मैंने हल्की ही ब्राउन किया है, तो मैंने भिंडी को निकाल लिया है। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है दोस्तों, देखिए आप लोग। तो इसी कढ़ाई मैंने 2 चम्मच ऑयल ऐड किया है, 1/2 चम्मच में जीरा ऐड कर रही हूँ, 3-4 मैं तेजपात ऐड कर रही हूँ। इन दोनों को मैं ब्राउन होने तक भूनूंगी, करीबन 30 सेकेंड के लिए। तो देखिए, मेरा ब्राउन हो गया है। तब मैं इसमें ऐड करूँगी पेस्ट जो मैंने तैयार किया था, तो मैं इसमें पेस्ट ऐड कर देती हूँ। तब मैंने पेस्ट दरदरा ही पीसा है, तो पेस्ट को मैं अच्छे से भूनूंगी 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, ताकि सब्जी बहुत ही टेस्टी बने। तो इसको मैं भून लेती हूँ मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, जो भी भिंडी की सब्जी नहीं खाते हैं, वो भी मांग कर खाएंगे। तो आप लोग अपने घर पर जरूर ट्राई करें मसाला भिंडी की सब्जी। तो मेरा भुना गया अच्छे से, तो मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी, देखिए ये अच्छे से भुना गया, आप लोग देख सकते हैं। तेल छोड़ दिया है, तो मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपना अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 चम्मच मिर्ची पाउडर लिया है, अगर तीखा खाना पसंद करते हैं तो 1 चम्मच और ऐड कर सकते हैं। 2 चम्मच में धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1/2 चम्मच में हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1/4 चम्मच से गरम मसाला मैं ऐड करूँगी, 1/2 चम्मच। थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी, ताकि मसाला अच्छे से भुना जाए। देखिए, मैंने थोड़ा सा ही पानी ऐड किया है। अब मैं मसाला को भून लेती हूँ मीडियम फ्लेम पर ही। मैं मसाला भून रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो आप जब भी मसाला भूनते हैं, कोई भी सब्जी बनाते हैं, तो मीडियम फ्लेम पर ही मसाला को भूनिए, इससे आपकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तब मेरा मसाला अच्छे से भुना गया है, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। देखिए, ये अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है। तब मैं इसमें भिंडी ऐड करूँगी, और भिंडी और मसाला को मैं अच्छे से मिक्स कर फ्राई करूँगी। टमाटर भी मैंने ऐड कर दिया है, दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। इसको मैं ढककर पकाऊंगी करीबन 2 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, भिंडी मसाला टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मैंने 1 चम्मच इसमें बेसन ऐड किया है, इससे ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो मैं इसको ढक देती हूँ, ढककर पकाऊंगी 2 मिनट के लिए। बीच बीच में आप चेक करते रहें कि नीचे से सब्जी जला तो नहीं है, या अच्छे से पका है कि नहीं पका है। तो मैंने चेक किया था, तो देखिए टमाटर और मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। और मसाला को मैंने पहले ही फ्राई कर लिया था, तो मेरा अच्छे से फ्राई हो गया मसाला भी। तो मैं पानी ऐड कर रही हूँ, तो मैंने यही कप से 2 कप पानी ऐड कर दिया है, 1 कप में और ऐड कर रही हूँ। तो मैं 1 कप और ऐड कर देती हूँ, उसको अच्छे से पहले मिक्स कर देती हूँ। तो मैंने 3 कप पानी ऐड किया है, ये कप सबके घरों में रहता है, तो इसी कप से मैंने 3 कप पानी ऐड किया है। तो देखिए, अब मैं 2 मिनट और इसको ढककर पका लेती हूँ, भिंडी को अच्छे से कर लेती हूँ। तो देखिए, मेरा भिंडी की सब्जी तैयार हो गया है। तो मैं इसमें लास्ट में धनिया पत्ता ऐड कर रही हूँ,
इससे आपकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो लास्ट में आप धनिया पत्ता जरूर ऐड करें। मैंने लास्ट में धनिया पत्ता ऐड कर दिया है, सब्जी मेरा बनकर तैयार है। आप लोगों को दिखा देती हूँ, देखिए कितना लाजवाब बनी है मेरी भिंडी की सब्जी। मैं गरम गरम रोटी या आप चावल के साथ भी ले सकते हैं। तो मैंने रोटी के लिए बनाई है, तो थोड़ा सा ग्रेवी मैंने रखने दिया है। अगर आप चावल के साथ खाते हैं तो आप ग्रेवी को अच्छे से हाई फ्लेम पर पानी को सुखा ले। थोड़ा सा मेरा ग्रेवी है, देख सकते हैं आप लोग। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा रेसिपी भिंडी की, तो कमेंट में लिखकर जरूर भेजें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों बहुत ही मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।